लैंड फॉर्म्स वी हैव सीन, भाभर, तराई, भांगर, खादर, अलिवियल कोल, अलिवियल फैन एंड बजारा, कैन यू रिमेंबर? सो ये सेवन को साइड में रखे, और हमने अभी इरोजनल लैंडफॉर्म कर रहे थे और उसमें भी मैंने अलिवियल फैन, अलिवियल कॉन बोला था मैंने, और वहां पे बजादा नहीं बोला था, बोला था बहादा। व्हाट आई हैव सेड दैट, इफ यू रिमेंबर दैट आई हैव सेड, हेलो, सो आई सेड दैट, क्या मैंने बोला? यस, टेल मी फर्स्ट, भाभर, तराई, मांगर, खादर, अलीवल कौन, अलीवल फैन एंड बजादा। एंड इन केस ऑफ इरोजनल लैंड फॉर्म, डिफ्लेशन हॉलो, आर्टेशियन वेल, मशरूम रॉक, एंड देन वेंटिफेक्स में ई कैंटर, ज्वी कैंटर, ड्री कैंटर, ई कैंटर, ज्वी कैंटर, ड्री कैंटर, अंडर द वेंटिफेक्स, यार्डम, ज्वी गेज, देन वी हैव सीन प्लैट ट्यूब, मेसा, ब्यूट, पिनाकल, and then we have seen cuesta, and on the plateau we have seen wadi, canyon, understood? Wadi means canyon. In the desert region, or maybe in the semi-arid region, acha, just tell me, कल भी मैंने बताया था फ्रेश वाटर में कितना सॉल्ट होता है, 0.5 ग्राम पर केजी, 1 केजी। सपोज यहां पर एक वाटर हमने यहां पे रखा, हाउ मच, यहां पे 2 केजी वाटर, व्हाट इज देयर, सो इन 1 केजी में 0.5 ग्राम, देन द 2 केजी, सो हाउ मच सॉल्ट इन दिस वाटर, 1 ग्राम। इसमें से 1 केजी वाटर एवोपरेटेड, हाउ मच लेफ्ट, 1 केजी, और इसमें सॉल्ट कितना बचा, 1 ही बचा। अच्छा, वाटर को भी एवोपरेट कर दोगे, सॉल्ट को भी एवोपरेट कर दोगे, ओनली वाटर विल एवोपरेट एंड द सॉल्ट विल रिमेन ओवर देयर, एंड अगेन देन वाटर कम्स इन दिस रीजन, एंड दिस टाइम अगेन 1 केजी वाटर कम, नाउ हाउ मच इट बिकम, पहले 1 ग्राम था, नाउ 0.5 ग्राम, सो इट बिकम 1.5, सॉल्ट बिकम, एंड वाटर इज हाउ मच, 2 केजी, एंड आउट ऑफ 2 केजी 1 केजी वाटर गेट एवोपरेटेड, एंड हाउ मच सॉल्ट नाउ, अगेन आई सेड दैट देर इज एन 1 केजी मोर कैन, 2 केजी, एंड इन द 2 केजी हाउ मच, 0.5, 2 ग्राम, दिख रहे हैं, धीरे धीरे सैलिनिटी ऑफ दिस पॉन्ड और लेक इज इंक्रीजिंग, यू अंडरस्टैंड दैट, हाउ डू द सैलिनिटी ऑफ ए पॉन्ड और अ लेक वेयर द एवोपरेशन इज हाई, लेट अस सी, देयर इज एन, आई सेड दैट अ रीजन इज हैविंग, सपोज सराउंडिंग हिल्स, हैव यू गॉन टू पुष्कर, पुष्कर में नहीं गया, कोई बात नहीं, वहां पे हिल्स घेरा हुआ है, एंड लेकिन ये पुष्कर के एग्जांपल नहीं, आई सेड दैट, इसका मतलब यहां पर ये माउंटेन्स है, ये जो गैप है, इसका मतलब गैप मत समझ ला, यहां पर क्या है, अब ऐसे बना देता तो आपको पता नहीं चलता ना कि इट इज इन अ माउंटेन्स और नॉट, सो देयर इज इन अ माउंटेन, एंड व्हेन द रेनफॉल टेक्स प्लेस चैनल डेवलप्स, yes, which kind of, it is towards the center or away from the center, so isko kaun sa main bolunga, centripetal drainage pattern, which pattern, which pattern, I said that centripetal, all the rivers are draining towards the center, सेंट्रीपेटल, क्योंकि ये डिप्रेस्ड रीजन है और ये उठा हुआ रीजन है, इज इट ओके, और ये डेजर्ट रीजन है, यहां पे एवोपरेशन बहुत ज्यादा हो गया, देयर विल बी मोर एवोपरेशन,
एंड देन ध्यान से यहां पे पहले ध्यान से देखा, एंड दिस रीजन वाटर इज एक्युमुलेटिंग, इट इज बिकमिंग लेक, एंड देन स्लोली एंड स्लोली इट विल बिकम विच लेक, सलाइन लेक, विच लेक होगा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज सलाइन लेक नोन एज व्हाट, समझ में आ गया, राजस्थान थोड़ा सा, आई सेड दैट दिस इज इन इंडिया, एंड ये देखोगे और ये क्या है अरावली, एंड एक्चुअली में इफ यू सी दैट दिस इज द वॉलनी सैंड हिल्स, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पास आप लोग, और दिस राजस्थान इतना बड़ा है और आप लोग राजस्थान का नाम सुना नहीं कि आपने क्या बोल दिया, and then how much desert is there, only this much, clear? यहां पर जो salines lake है उसको बोलते हैं धांड, what it is known as, yes, क्या बोलेंगे हम, yes, और इधर थोड़ा सा fertile soil है, Luni river and all, इस region में बोला जाता है सार, व्हाट इट इज नोन एज, एस ए आर सार, व्हाट इट इज नोन एज, सलाइन लेक को क्या बोलते हैं सार, ढांड एंड सार, कैन यू रिमेंबर, बट एक्चुअली वी प्लाया लेक, समझ में आ गया, ज्योग्राफिकली वी आर नोइंग व्हाट इट इज इन अ लोकल नेम, shall I remove? Yes. So, आपने क्या देखा? Centripetal drainage pattern. And because of this, what we have been able to see? Which lake? Saline lake. और यहां पर क्या होगा? If the rivers are coming, there will be what? Alluvial fan, there will be what? Alluvial fan or alluvial cone, there will be what? Alluvial fan or alluvial cone, this kind of structure, and when this is alluvial fan, आपको पता ही है क्या होता है? Finer particles, alluvial cone, if it is, I said that, coarser particle, and when they coalesce together, it is known as, yeah. बजादा, क्या लिखवाया मैंने, बहादा, डेजर्ट में कहते हैं इसे बहादा, सो विच आर द फाइव फीचर्स वी हैव सीन, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, यस, पलाया लेक, अल्लुवियल फैन, अल्लुवियल कोन एंड बहादा, विच आर द फाइव फीचर्स वी हैव सीन, दिख रहा है सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, सलाइन लेक मींस प्लायर, एंड देन आई सेड अल्लुवियल फैन, अल्लुवियल कोन एंड बहादा, अंडरस्टूड, क्लियर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी बॉर्न हार्ड, जो बॉर्नी जो हार्ड हो उसको क्या बोलेंगे, मोनाडनॉक इज इन अ हार्ड रॉक, इसको केवल समझने की कोशिश करिएगा, बनाऊंगा, एंड दिस इज द लास्ट इरोजनल लैंडफॉर्म विच आई सेड दैट, ये दिस इज हार्ड रॉक, एंड यहां पर रेगोलिथ है, मतलब सेडिमेंट कम समवेयर है, कम एंड डिपोजिटेड, सो दिस हार्ड रॉक has been underlined. Over the period this has been removed. तो मुझे क्या मिला? Only one hard resistant rock और उसमें थोड़ा सा erode होगा. And this is known as what?
व्हाट इज नोन एज, समझ में आ गया, और इट इज नोन एज एंसलबर्ग, इसको भी क्या कहेंगे हम, एंसलबर्ग, अंडरस्टूड। यहां पे वहां पे मोनोड्रॉक आई हैव सेड एंसलबर्ग, हार्ड अपलिफ्टेड आइसोलेटेड रॉक, हार्ड अपलिफ्टेड आइसोलेटेड रॉक या हार्ड रेसिस्टेंट, हार्ड को ही बोला जाता है जो कम इरोडेड हो, हार्ड रेसिस्टेंट आइसोलेटेड अपलिफ्टेड रॉक, बॉन हार्ट, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, स्पेशली हार्ड रेसिस्टेंट अपलिफ्टेड आइसोलेटेड रॉक। आइसोलेटेड का मतलब एक ही पीस रहेगा, जैसे मोनोनॉक वॉज ऑल्सो सिंगल पीस ना, सो विच आर द लैंड फॉर्म्स वी हैव सीन, इरोजनल लैंड फॉर्म, ये है, सो व्हाट इज द फर्स्ट लैंड फॉर्म, फटाफट, यस एवरीवन keep quiet and then just tell me which are the landforms. Yes, artesian well, under the ventifex which are the three, ecanter, zwicanter, okay, after that koi dost dost hai aapka, सर उस आपके दोस्त के बाल में जू था, देन व्हाट हैपेंड, कहां भागे आप बोलो, आगे प्लेट्यू, एक पहला याद आ गया, उसके बाद रेगुलर कह सकते हो, प्लेट्यू मेसा ब्यूट पिनाकल, और साथ साथ वन आई हैव सेड दैट वन इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल क्वेस्टा और हॉकबैक, then wadi, and thereafter I said alluvial fan, alluvial, isko karein pehle, alluvial fan, alluvial cone, bahada, centripetal drizzle pattern and palaya, and then bonhaar, aur wo to river mein maine bata diya tha, streams mein I said that bhabhar, tarai, khadar, bhangar and alluvial fan, alluvial cone, bajata, understood it? And which are the types of desert on the basis of texture? Arg, reg, hamada. On the basis of temperature? Hot and cold. Hot kahan pe rahega? Subtropical, sorry. Tropical and subtropical. Subtropical high pressure bed nikalta hai. Generally wahi pe hota hai. I said that it is clear. Now we are going to see depositional landform. यदि कभी आप, ऑल ऑफ यू आर बिलोंग्स टू व्हाट इज इन इंडिया, इंडिया यू नो दैट लिटिल बिट, हिंदी आप लोग जानते होंगे लिटिल बिट, एंड इफ यू गो इनटू द डेजर्ट रीजन और ऐसे सैंड विल बी डिपोजिटेड लाइक दिस, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बालू का टिब्बा, डिपोजिशन ऑफ सैंड, इट इज अपलिफ्टेड लाइक दिस, एंड इसको दैट इज इन इंग्लिश मीडियम बोलते हैं ड्यून, सो वी आर गोइंग टू सी ड्यून, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म वी आर गोइंग टू सी, depositional landform, and these are, first I said that longitudinal dune, transverse sand dune, next I said that star dune,
sand dune, dune, both are same. Another I said that Barkan, and these are deserts. These dunes are in the deserts. Now tell me a part of deserts where you will see sand in large amount. At the bank of river, large amount of deserts. I said sand. I said that. At the coastal region beaches. Yes, sand beaches are there. So at the coastal. So another dune is coastal, and it is known as parabolic dune, and it is forming in at the coast. So we have to see five sand dunes. And this is longitudinal sand dune, जिसको अफ्रीका सहारा डेजर्ट में इसको बोला जाता है सीफ, एंड इंडिया में ध्रियान, DHRIAN. Longitudinal dune in Sahara, known as S for Sahara, S for Sif. Achha, if I'll say in a competition, Indians are there, and in a competition, foreigners are there. Who will have more attention? Foreigner will have more attention, or Indians will have more attention in the competition? Foreigner. और किसका ध्यान भटकेगा?